नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। आज हम बात करेंगे भारत और रूस के मजबूत संबंधों के बारे में। रूस और भारत के संबंध हमेशा से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शानदार विदेशी नीति की बदौलत दोनों देशों के संबंधों में और मजबूती आई है। रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक दबाव के बीच भी दोनों देशों के संबंध मजबूत बने रहे। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने मॉस्को में वल्दाई डिस्कशन क्लब की 19वीं वार्षिक बैठक में भारत की सराहना की और पीएम मोदी को देशभक्त बताया। पुतिन ने कहा कि मोदी अपने देश की स्वतंत्र सोच को आगे बढ़ाने में सक्षम है। उन्होंने देश के विकास के लिए शानदार कदम उठाए हैं। पुतिन ने आगे कहा कि भारत ने ब्रिटेन की गुलामी से आधुनिक राज्य बनने के अपने विकास में जबरदस्त प्रगति की है। इसमें ठोस विकास परिणाम हासिल किए हैं। भारत के विकास से उसका सम्मान और प्रशंसा बढ़ी है। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में काफी कुछ किया गया है। वो स्वाभाविक रूप से अपने देश के लिए देशभक्त है। उनकी मेक इन इंडिया की नीति मायने रखती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर नैतिक रूप से। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाला भविष्य भारत का है। हमारे बीच एक विशेष रिश्ता है, हमारे बीच घनिष्ठ संबंध है। भविष्य में भारत की एक बड़ी भूमिका होगी। पुतिन ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि मोदी स्वतंत्र विदेशी नीति का संचालन करने में सक्षम है। मुझे यकीन है कि भविष्य में भारत की एक बड़ी भूमिका होगी। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की वजह से भारत खुद पर गर्व करता है, लेकिन देश जिस तरह से प्रगति के रास्ते पर है वो भी गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत अच्छी नींव रखी है। हमारे भारत के साथ कई दशकों से मधुर संबंध हैं। हमारे बीच कभी भी कोई मुश्किल मुद्दे नहीं रहे हैं। हमने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है और यही इस समय हो रहा है। मैं निश्चिंत हूँ कि आने वाले भविष्य के लिए ये अच्छे संकेत हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत रूस को अपना सबसे अच्छा मित्र मानता है, इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी भारत का स्टैंड क्लियर रहा है। भारत ने दोनों देशों को युद्ध बंद करने की सलाह जरूर दी, लेकिन वैश्विक मंचों पर भारत रूस के खिलाफ वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। यहां तक कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।